कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और अभी बज रहे शाम के 4। और हम लोग रास्ते पे क्यों हैं चलो बताते हैं। हम लोग फिर से निकल पड़े हम लोगों की जर्नी अनप्लान में। आज फ्राइडे और कल सैटरडे और परसों है संडे, तो 2 दिन की छुट्टी। तो चलो हर घर में क्यों रहे, निकल पड़े पहाड़ों की ओर। पहाड़ हम लोगों को बार बार बुलाता है और हम लोग निकल पड़ते हैं पहाड़ों की ओर। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, रुकिए रुकिए बताते हैं। हम लोग पहाड़ों में ऑफबीट जगह को ही चूज करते हैं। ऑफबीट जगह सुंदर तो होता ही है, साथ में वहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी। तो अब हम लोग बता ही देते हैं हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं तीर्थन वैली। तो हम लोग तीर्थन वैली तो एक्सप्लोर करेंगे ही, साथ में तीर्थन वैली के आसपास में जितने भी ऑफबीट जगह हैं वो सब देख के आएंगे। और आप लोग रहिए हमारे साथ, तो ब्लॉग के साथ रहिए। तो फिर से हम लोग निकल पड़े हम लोग की जर्नी अनप्लान्ड में। हाँ, आप लोग तो जानते ही हैं हमारी जर्नी अनप्लान्ड ही होती है, बट आज के जर्नी में कुछ सरप्राइज भी है। आज हम दोनों नहीं, हमारे साथ कोई और भी जा रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग के साथ रहिए, फिर आपको पता चलेगा हमारे साथ कौन है। तो चलिए चलते हैं। अभी चल रही है समर वेकेशन, तो सारे स्कूल में छुट्टी और सारे बच्चे अभी घूमने जा रहे हैं पहाड़ों में। तो पहाड़ में जो फेमस जगह है वो सब प्लेसेस में अभी बहुत क्राउड है, तो हम लोग तो उधर जाएंगे नहीं। 2 दिन छुट्टी है और शांति से कहीं बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, इसीलिए ऑफबीट जगह को हम लोग चुनते हैं। और तीर्थन है उसी में एक जगह, बहुत खूबसूरत है वो जगह। पहले वहाँ पहुँचे फिर आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे। तो पहले हम लोग कहाँ से जर्नी शुरू की ये आपको बता दे, जो हमारे ब्लॉग देखते हैं या फिर जो नए देख रहे हैं उसके लिए बोल दे, हम लोग रहते हैं पंजाब में और पंजाब सरिंद से हम लोग की जर्नी शुरू हुई। और ये रोपड़ होते हुए हम लोग चले मनाली की तरफ, बट मनाली तो जाएंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं तीर्थन। तो वो मंडी से हमारे रास्ते बदल जाएंगे, तब तक तो वो मनाली वाले रूट से ही हम लोग चल पड़े हमारे रोड ट्रिप पे। और रोड ट्रिप हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और पहाड़ों में जाते जाते ये छोटी छोटी ब्रिज पड़ती है जो बहुत खूबसूरत लगता है, और इसके अंदर से जाना सही में एक एडवेंचर है। तो ये एडवेंचर करते करते हम लोग बढ़ने लगे हमारे मंजिल की ओर। हमारी ये रोड ट्रिप अनप्लान्ड तो है, बट ये रोड ट्रिप की फरमाइश आई है एक छोटी सी गुड़िया से। तो चलिए रास्ते में उनसे भी मिलाते हैं, वो भी आज हमारे साथ चल रही है। तो उसके ही फरमाइश में आज हम लोग चल पड़े पहाड़ों में, क्योंकि उसकी चल रही है गर्मी की छुट्टी और गर्मी की छुट्टी में ये छोटे से मेंबर को घूमना था। तो ये है उनकी फरमाइश जो हमारे ट्रिप में जब मेरे साथ जा रहे हैं सबसे छोटी है। तो उसी की फरमाइश पूरी करने के लिए आज हम लोग सब मिलके चल पड़े। तो चलिए जाते हैं और रास्तों के नज़ारे लेते लेते, चारों तरफ इतने सुंदर नज़ारे हैं, इसलिए मैं सोची चाहे आज के ब्लॉग रोड में ही पार हो जाए फिर भी मैं आप लोगों को चारों तरफ के नज़ारे तो ज़रूर दिखाऊंगी। इसीलिए आज के ब्लॉग में तो ज़्यादा रास्ते ही होंगे, बट रास्ते हैं इतने खूबसूरत जो आप लोग इंजॉय तो ज़रूर करोगे। हाँ, जो बता रही थी हमारे इस ट्रिप के जो सबसे छोटे मेंबर हैं उसकी फरमाइश पूरी करें हम लोग आज जा रहे हैं पहाड़ों में। तो पहाड़ों में जा तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो भी तो बता चुके हैं, और क्या बताएं। तो चलो आप लोग रास्तों के नज़ारे लेते लेते चलो, आज हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद क्या कर रहे हैं ब्लॉग के साथ रहिए तो ज़रूर देख पाएंगे। तो हाँ, और एक बात, आज का ब्लॉग मैं हिंदी में बना रही हूँ, इसके रीज़न भी वो छोटी सी गुड़िया है जो हमारे रोड ट्रिप की छोटी मेम्बर है, क्योंकि उसको तो बंगाली समझ में आती नहीं है, इसलिए आज का ब्लॉग हिंदी में। और ऐसे भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो बंगाली समझ में बिल्कुल उन लोगों को आता नहीं, फिर भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और ये ब्लॉग आज उन लोगों को भी डेडिकेटेड है जो मेरी लैंग्वेज ना समझते हुए भी मेरे ब्लॉगों को इतना प्यार देते हैं, तो इसलिए आज हिंदी में ब्लॉग बनाना तो बनता है, तो इसलिए हिंदी में ब्लॉग बना रही हूँ। और हाँ, ये जो छोटी सी मेंबर है उसके ख्वाहिश पूरी करने हम लोग तो जा रहे हैं पहाड़ों में, बट हम लोग जब छोटे होते थे बचपन में हम लोगों की गर्मी की छुट्टी पड़ती थी तो हम लोग कहाँ जाते थे बताओ बताओ, हम लोग जाते थे
अपने नानी घर। हाँ, हम लोगों की गर्मी की छुट्टी पूरा करने के वही जगह था नानी घर। लेकिन आजकल के बच्चे तो नानी घर जाके मानने वाले हैं नहीं। आजकल के बच्चों को एडवेंचर पसंद है, तो उसी का वो एडवेंचर पूरा करने के लिए ले जा रहे हैं। और ये ब्लॉग उन बच्चों के लिए भी है जो नानी घर जाते हैं, अभी भी गर्मियों की छुट्टी में कहीं पहाड़ आसपास में है नहीं तो जा नहीं पाते। कोई बात नहीं बच्चों, आज मैं आपको पहाड़ों में ले जाऊंगी, तो चलो आप लोग मेरे साथ पहाड़ों में घूमने। और वो देखिए, दूर आसमान में सूरज डूबने लगे हैं, धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपते हुए अंधेरे हो जाएंगे चारों तरफ। और ये पहाड़ के रास्ते, साथ में सूरज का डूबना और साथ में ये छोटी छोटी टनल, पूरे रास्ते बहुत एडवेंचरस थे। और ये सुंदर सा रास्ते देखते हुए नज़ारे लेते लेते हम लोग जा रहे थे आगे। और ये मिलिए हमारे आज के ट्रिप के सारे मेंबर के साथ। ये कौन है सामने बैठा हुआ, ये तो आप पहचान रहे हो। और साथ में दो चार न्यू फ्रेंड के साथ आप लोगों को चलिए मिला देते हैं। तो ये जो ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, ये है मेरे भैया, पीछे बैठी है भाभी, और जिसके फरमाइश में हम लोग चल पड़े इतने दूर, उनसे ज़रूर मिलाऊंगी। और वो छुप के बैठी है, वो देखिए विंडो सीट के पास। तो हमारी इस बार के ट्रिप के सबसे छोटे मेंबर, जिसकी फरमाइश में हम लोग आज सब चल पड़े पहाड़ों की ओर। तो आज की ट्रिप का तो मज़ा आने वाला ही है, क्योंकि इतने लोग हैं जो साथ में घूमते फिरते गपशप करते रुकते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो रास्तों में ऐसे खूबसूरत जगह देख के हम लोग भी गाड़ी को रोक दिए और उतर पड़े ये नज़ारों का मज़ा लेने के लिए। और इतने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, देखिए ढलते सूरज और साथ में ढलती शाम और ये नदी, और नदी में एक छोटा सा नाव, चारों तरफ इतना खूबसूरत है। जब हम लोग कुछ देर यहाँ रुक गए ये देखने के लिए, ये नदी का नाम शायद ब्यास रिवर है, और आगे और बहुत सारी नदी मिलेगी, हम लोग तो देखेंगे ही, साथ में आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए कुछ देर रुक के यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो चलिए जर्नी फिर से शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग पहाड़ों में चढ़ चुके हैं, हमारे रास्ते कुछ ख़त्म हो गए, कुछ अभी भी बाकी है। और रास्तों में अगर रात ज़्यादा हो गई तो हम लोग कहीं रुक जाएंगे, आज शायद तीर्थनवली तक ना पहुँचे, बट आसपास तो पहुँच ही जाएंगे। तो जहाँ तक हो सके हम लोग चलेंगे और बीच में रुक पड़ेंगे कहीं, तो जहाँ भी रुकेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करेंगे। और इस ट्रिप का सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है बताइए तो, ये हम लोग जो गपशप करते हुए जा रहे हैं, हमेशा हम दोनों ही रोड ट्रिप करते हैं, तो आज जब नए मेंबर जुड़ी गए हम लोगों के साथ, तो हम लोगों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और ये देखिए, बातें करते करते फिर से आ गए एक छोटा सा टनल, ऐसे छोटे बड़े मिला के यहाँ 12 से 13 टनल है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे में ऐसे छोटे छोटे टनल होने के कारण रास्ते बहुत कम टाइम में पहुँच जाते हैं। पहले इसी दूरी को तय करने के लिए 3 से 3.5 घंटा ज़्यादा टाइम लगता था, और ये टनल होने के कारण ये रास्ता 3 से 3.5 घंटा कम लगता है। तो रास्ता भी है बहुत मज़ेदार, एक टनल से निकलो दूसरे टनल में जाओ, ऐसे करते करते कब आप अपना मंजिल में पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग भी काफ़ी रास्ता पार तय कर चुके और कुछ रास्ता अभी भी बाकी है। और ये हाईवे इतनी सुंदर है, रोड तो आप देख ही रहे हो, रोड भी बहुत सुंदर है और कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं है। फिर सोचने लगे चलो शाम की चाय कहीं हो जाए, तो गाड़ी को कर दिए खड़े, हम शाम की चाय और चाय के साथ कुछ और खा लेते हैं। तो हाईवे में ऐसे एक ढाबे देके हम लोग रुक पड़े चाय पीने, चाय बहुत ज़रूरी है, चाय के बिना तो मन ही नहीं लगता। और हाईवे में ये छोटे छोटे ढाबे में रुक के चाय पीना तो बहुत मज़ा आता है। तो चाय के लिए ऑर्डर कर दिए, और देखिए हाईवे कितनी सुंदर है। और ये देखिए हमारे छोटी मेंबर, जिसकी फरमाइश में आ गई है मैगी,
तो वो खा रही है मैगी, हम लोग वेट करते करते हमारी चाय भी आ चुकी है। और चाय के कप हाथ में लेते हुए लगा चाय के साथ तो कुछ होना चाहिए, इसीलिए पकोड़े का ऑर्डर भी कर दिए। तो पकोड़े आए, तब तक हम लोग चाय को एंजॉय करें, चाय और पकोड़े खा के फिर निकल पड़ेंगे आगे की ओर। और ये देखिए पकोड़े भी साथ में आ चुके हैं, तो चलिए चाय पकोड़े को एंजॉय करते हैं। चाय पकोड़े खाते खाते घड़ी की तरफ नजर गई, देखते हैं शाम के 7:30 बज चुके। अब शायद कुछ दूर जाके हम लोग रुक जाएंगे, तो आज हम लोग इतना ही दूर जाएंगे जितना दूर जा सकते हैं। ऐसे जगह रुकेंगे जहां हम लोग सुबह उठ के थोड़ा एक्सप्लोर भी कर पाए। बस उसी हिसाब से हम लोग बंजार, एक छोटा सा गाँव है हिमाचल का जहाँ हम लोग रुक गए, ये भी एक हिल स्टेशन है और यहाँ भी खूबसूरत नज़ारे हैं चारों तरफ। तो बंजार में एक खूबसूरत होम स्टे में हम लोग रुके थे, जाते ही उन लोगों ने बॉन फायर जला दिया। और यहाँ काफ़ी ठंड है, हम लोग नीचे से आए तपती गर्मी लेके और यहाँ आके ठंडी का एहसास, मैंने तो अपना जैकेट ही डाल दिया। ठंड बहुत है और होम स्टे भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और हम लोग पूरे ट्रिप में होम स्टे में ही रुके हैं। जब आप कोई ऑफबीट जगह आओ ना, तब होम स्टे में ही रुका करो, होम स्टे की एटमोसफियर बहुत अच्छा होता है और आपको नेचर के साथ रहने का मौका मिलेगा। आप पहाड़ों में ऐसे होमस्टे में रुकोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल आप नेचर के साथ हो। और साथ में यहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करना। तो हम लोग भी लोकल खाना ऑर्डर कर दिए। तो चलो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, बहुत खुश रहो और अपने अपने लाइफ में व्यस्त रहो। आप लोगों के साथ बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।